प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना की चुनौतियों से निपटने तथा संचारी रोग नियंत्रण और स्वच्छता अभियान की समीक्षा की। गोरखपुर के NIC हाल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ADG दवा शेरपा, मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, DIG राजेश डी मोडक, जिलाधिकारी के विजयन पांडियन, SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता, CMO श्रीकांत तिवारी, ADM सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, SP सिटी डॉक्टर कौस्तुभ, CEO गोरखनाथ प्रवीण कुमार सिंह, अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी, अपर नगर आयुक्त DK सिन्हा, हिमांशु शेखर सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले में COVID-19 के कार्यों की समीक्षा की और कहा कि टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाया जाए तथा साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। पहला बिंदु यह है कि हमारे प्रदेश में अभी दो तरह की व्यवस्थाएं प्रचलित हैं चिकित्सा के लिए। एक तो जो L1 L2 L3 में हम लोगों ने व्यवस्था की है, जहाँ बिल्कुल निःशुल्क देश में जो प्राइवेट हॉस्पिटल अपने आप को कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट करना चाहते हैं उनके दर निर्धारित कर दिए गए। उसके क्रम में भी कुछ जनपदों में प्राइवेट हॉस्पिटल ऑलरेडी कोविड हॉस्पिटल रूप में चल रहे हैं, लेकिन बार बार लोगों की ये मांग आ रही थी कि साहब हमको कुछ अलाउ नहीं किया गया है। ये कॉन्शियस डिसीजन है सोचते हुए कि होम आइसोलेशन में व्यक्ति अपने घर के लोगों को भी इफेक्ट करेगा और होम आइसोलेशन को स्ट्रिक्टली एनफोर्स करना मुश्किल है कि वो बाहर निकल के दूसरों को भी जाएगा मैच के लिए। उसमें ये प्रस्ताव आया था कि किसी जिला प्रशासन किसी होटल को ले सकता है, और जैसे लखनऊ और गाजियाबाद दोनों जगह से जो प्रस्ताव आए थे उसमें डबल ऑक्यूपेंसी पर तो उसमें उस पर ये अलाउ किया गया है जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए। लेकिन उसमें जो कैटेगरी जैसे 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, अभिभावक हैं, छोटे बच्चे हैं, या कोई कोमॉर्बिड पेशेंट जिसको कि हमको विशेष केयर देना पड़ता है, वो इसमें नहीं एडमिट किए जाए। बाकी लोग जो भी लक्षण रहित हैं वो एडमिट हो सकते हैं। तो इस तरह से 2000 का एक डबल ऑक्यूपेंसी, आप जानते हैं कि हमारी डिस्चार्ज पॉलिसी है एसिम्प्टोमेटिक के लिए कि 10वें दिन उनको हम बिना टेस्ट किए उनको हम डिस्चार्ज कर देते हैं और 7 दिन के लिए उनको होम क्वारंटाइन में भेज देते हैं। तो 10,000 रुपया ये हो जाएगा और एक टोकन से एक डॉक्टर, दो नर्सिंग स्टाफ, फार्मासिस्ट, 4 लोग होगी राउंड द क्लॉक की शिफ्ट में, तो 12 लोग लगेंगे। और आपका जो भी जैसे होटल सेलेक्ट किया गया गाजियाबाद में वो होटल्स का बुक है, जिसमें मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में सभी जनपदों के लिए एंटीजन टेस्ट किट अलॉट कर दिए गए और आपके से मेरे ख्याल से लगभग सारे जनपद ले जा चुके हैं। जो जनपद 3 कलेक्ट किए हों कृपया तुरंत कलेक्ट कर दें। 13 जनपद में पहले से एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं। होता है बिना एक दो बार हम लोगों को इस समय जो सबसे बड़ा चैलेंज जो है COVID-19 को लेकर के जो हमारी बैठक होनी चाहिए, इसको लेकर के कार्य योजना को विस्तृत रूप से आगे बढ़ाने का जो कार्य होना चाहिए, इसमें क्या कार्य योजना हमने बनाई है, सरमास टीम को कितना सशक्त हमने बनाया है, डोर टू डोर सर्वे का कार्य की क्या स्थिति है और रैपिड टेस्ट की प्रोग्रेस क्या है जनपदों में, मैं चाहूंगा एक जनपद इसके बारे में थोड़ा बता दें। लेकिन कुछ जनपदों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और वहाँ की जो है कार्यपद्धति को लेकर के स्वयं भी हम लोग भी आश्चर्यचकित करते हैं कि उस जनपदों को